रुख करेंगे जोधपुर का, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बीएसएफ ने बॉर्डर पर दो पाक घुसपैठियों को मार गिराया है। करीब 12:15 बजे जब इन्होंने एक के बाद एक पैकेट्स हमारी सीमा के अंदर फेंकना शुरू किया, तो हमारे जवानों ने उनको ललकारा और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई, जो गोलीबारी हुई, उस दौरान ये दोनों पाकिस्तानी स्मगलर ढेर हो गए। देखिए, उनके दोनों के जो पिस्टल्स हैं उसमें मैगजीन्स हैं, वो पूरी भरी हुई नहीं, दो अलग अलग मैगजीन्स हैं जो पूरी भरी हुई हैं, और जो मैगजीन्स उस पिस्टल में हैं, एक में 5 राउंड्स हैं और एक में शायद 4 राउंड्स हैं, मैं आपको डिटेल ही बता देता हूँ। तो नेचुरली उन्होंने कुछ ना कुछ फायरिंग तो की होगी, और ऑब्वियसली जब बीएसएफ उनको चेतावनी दे रही है, हथियार लेकर वो आ रहे हैं, तो पूरी संभावना है। उस शोर में, भीड़ में आप भी जानते हैं, इतना पता नहीं चलता है, और हमारे हथियार डेफिनेटली बेटर थे, सुपीरियर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेचुरली हमारा पलड़ा काफ़ी भारी था उनसे, और उनके पास से जो चीज़ें हमें मिली हैं, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 28 राउंड्स पिस्टल कवर। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक NVD मिला उनके पास है, नाइट विजन डिवाइस यूजुअली लोगों के पास होता नहीं है, न केवल ये काफ़ी महंगा डिवाइस है, बहुत रेयर डिवाइस है ये। तो ये इसमें हम लोग और जांच करेंगे कि ऐसी चीज़ उनके पास कहाँ से आई। पाकिस्तानी मुद्रा 18,050 रुपये, NVD बैटरी में एक्स्ट्रा बैटरी भी उनके पास थी, तो उनकी मंशा क्या है ये भी आगे पता लगानी थी हमको, कि केवल स्मगलिंग के लिए कोई आदमी इतनी तैयारी करके आया है और हथियार लेकर आए, क्योंकि आप आराम से आप अपने वो जो बैग्स हैं फेंक के जा सकते हैं आप, लेकिन हथियार लेकर आप आ रहे हैं, NVDs भी लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का एक आइडेंटिटी कार्ड हमको मिला है, एक बंद होने वाला चाकू मिला है, और एक रियाल मुद्रा भी मिली है। और इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कमांडेंट देवेंद्र कुमार सिंह 91 बटालियन के, DCG मिस्टर नागल, DIG मदन सिंह राठौड़, हमारी जी की टीम पूरी जोधपुर फ्रंटियर की, राजस्थान फ्रंटियर की, और उनके एडजुटेंट जो 91 बटालियन के थे, उन सब का बहुत ही बढ़िया रोल रहा है। और हमारे महानिदेशक श्री अस्थाना द्वारा भी सभी को बधाई प्रेषित की गई है, हमारे एडिशनल DG भी इस काम से काफ़ी खुश हैं, बहुत बढ़िया अचीवमेंट BSF के लिए हुआ है, और बहुत बढ़िया, बहुत प्लान्ड ऑपरेशन है। और इसके लिए आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप पूछें। नहीं, वो इंटरनेशनल बाउंड्री से, जो आप इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा होता है 150 मीटर के बीच, आपको पता है फेंसिंग से 150 मीटर तक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, उसको पार करके हमारी फेंसिंग में बिल्कुल आ गए थे, और हमारी फेंसिंग से वो ये अपना जो हीरोइन है उसको बंडल्स बना बना के फेंक रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर में, जम्मू में सीमा सुरक्षा बल द्वारा ज़बरदस्त काम हो रहा है, हमारी काफ़ी सैन्य शक्ति वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी स्थिति कंट्रोल में वहाँ पर है। साथ ही पंजाब में भी सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में एक मुठभेड़ की, आपको पता है, उसमें भी 5 लोग मारे गए हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान को, खासकर गंगानगर और ये बीकानेर के क्षेत्र जो पंजाब से लगभग सटे हुए हैं, इनमें कोशिश की जा सकती है कि स्मगलिंग या कोई भी टेररिस्ट गतिविधि को यहाँ से बढ़ावा में दिया जा सके। 8 किलो कुल मिलाकर, करीब 10 पैकेट उनके पास थे, कुल मिलाकर करीब 8 किलो की हीरोइन उनके पास होनी चाहिए। कौन से फ्रंटियर का? अच्छा, कितने साल पहले ऐसी घटना हुई? हाँ, यस। यस। अभी हम किस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो इंटेलिजेंस की टीम है, इससे हमको काफ़ी आगे की सूचना मिल जाएगी। हमारे DIG गंगानगर भी वहीं पे लगातार कैंप कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ हमको आने वाले समय में पता चल जाएगा। नहीं, ये तो अब हमारे यहाँ ही इसका सब कुछ नहीं, अपने किसी जवान को कुछ भी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, हम लोग हाईली ट्रेंड हैं, हमारा काम ही है, हमारे हथियार बहुत सुपीरियर हैं, होना भी नहीं चाहिए। हमारी पूरी लाइट थी, सब कुछ था हमारे पास, हाँ बिल्कुल, BFLs हमारी लगी हुई हैं। तो BSF IG की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें तमाम जानकारियां मीडिया के सामने वो साझा कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला